अगली खबर में बात करते हैं घर घर जल पहुंचाने की योजना को लेकर। घर घर तक जल पहुंचाने वाली नल जल योजना की हकीकत जानने नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह गुरुवार सुबह सुहागपुर ब्लॉक के गांवों में पहुंचे। कलेक्टर के सुबह सुबह औचक निरीक्षण से पीएचई शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने ग्राम सेमरी जमुनिया गुर्जरखेड़ी पठाई मगरिया कामती रंगपुर पथरई परसवाड़ा के गांवों में जाकर नल जल योजना के कार्यों की स्थिति देखी। यहां नल जल योजना अधूरे कार्यों की हकीकत सामने आई। कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को 3 माह में कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही 1 साल बाद भी समय से कार्य पूरा नहीं करने पर गणेश कंस्ट्रक्शन मुरैना पर FIR कराने के निर्देश भी दिए। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार सुबह सुहागपुर ब्लॉक के पहले सिमरी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना के कार्यों की जानकारी भी नहीं पूछने पर रहवासी रजनीकांत सोनी ने कहा कि अभी पुरानी नल जल योजना के तहत घर में पानी आ रहा है, नई पाइपलाइन से नहीं। कलेक्टर सिंह ने ग्राम सेमरी जमुनिया और गुर्जरखेड़ी के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर सुपरवाइजर को सख्त निर्देश दिए हैं कि तीनों ग्रामों में अगले 3 माह में कार्य पूर्ण करें और कार्य में मानक गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पठई मांगरिया कामती रंगपुर पथरई परसवाड़ा पहुंचे। ग्राम पाठई में ग्रामीण शिवचरण ने कहा कि सिर्फ पाइपलाइन डाली गई लेकिन पानी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। पाइपलाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत का कार्य भी नहीं किया है। कलेक्टर नाराज हुए। उन्होंने पाठई सहित अन्य 6 ग्रामों में योजना का कार्य कर रही गणेश कंस्ट्रक्शन मुरैना के खिलाफ FIR के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पथरई के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में मात्र 1 बोर होने के कारण पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने पीएचई को ग्राम में 2 बोर करवाने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री PHSK गुप्ता SDM सुहागपुर अखिल राठौर तहसीलदार अलका एक्का सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत में बनाइए, पुरानी लाइन दिखाइए जहाँ बनी है।